चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज यहां पे भी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। चलिए इसका क्वेश्चन हमेशा क्लास में रहेगा, ठीक है क्लास में। चलिए एक क्वेश्चन बताइए, जीरो से दस कोई सभी क्वेश्चन एक बोलो कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियम का। जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास, पचास से और है। चलिए यहां तक कर, फ्रीक्वेंसी बताइए, बारह, अठारह, सताइस, बीस, सत्रह, छह। फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, हर्ट बढ़ रहा है, डिग्री डिग्री है और क्लास में भी है ना। जीरो से दस जितना सेकंड है उतना से स्टार्ट है, जितना सेकंड है यानी बीस सेकंड है तो बीस से स्टार्ट। यहाँ पर हम लोग स्टेप नंबर वन का फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर वन डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, स्टेप नंबर वन में सीएफ निकालना, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग सीएफ का यूज करेंगे, सीएफ। और सीएफ कैसा निकाले, कैसे निकाले थे तो ऐड करते जाना है ना ये फ्रीक्वेंसी वाले को। बारह, बारह और अठारह कितना होगा, तीस, तीस और सताइस कितना होगा, संतावन, संतावन और ट्वेंटी कितना होगा, सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन और सेवेंटी यानी सात सात चौदह, सात आठ एक आठ एक नौ, नाइनटी फोर। और सिक्स को ऐड करेंगे तो 100, यानी इसको भी ऐड करेंगे एफ वाले को तो भी कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन का हो गया फॉलो, अब स्टेप नंबर टू का यूज करते हैं। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में साइज निकालना होगा, साइज ऑफ, इसमें ध्यान रखिएगा इसको n by 2 होगा सिंपली, जैसे इंडिविजुअल डिस्क्रीट में था n plus 1 और सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कंटिन्यूअस में n by 2 होगा। The size of n बराबर कितना आएगा 100 और 2, साइज ऑफ डिवाइड करेंगे तो 50। अब यहां पर भी देखना है कि जो 50 आया है वो कितने के साइज में है, जो 50 आया है वो कितना के साइज में है, तो 12 और 30 के बीच में आएगा, नहीं 30 और 57 के बीच में बिल्कुल। तो ये हम लोग का हो जाएगा मीडियन, मीडियन लाइन होगा, इसको क्या बोलेंगे मीडियन लाइन। और ये पूरा हम लोग का काम का है, ठीक है। ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगा, ये हम लोग का L1 होगा, ये हम लोग का L2 होगा, और जस्ट मीडियन लाइन का ऊपर वाला CF हो जाएगा। इसको C से कभी डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको C से भी हम लोग खाली लिख सकते हैं, फॉर्मूला में ऐसा रहेगा तो समझिएगा वो CF है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो होगा स्टेप आप थ्री कर सकते हैं, इसमें स्टेप थ्री जो कि फॉर्मूला का यूज करना है। क्या होगा फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू या फिर लिखिए L1, क्या होगा L1 और I और डिवाइड F होगा और M माइनस CF, M माइनस CF। L1 बराबर कितना आया है 20, और ध्यान रखिएगा पोजिशनल एवरेज है, मीडियन क्या है पोजिशनल एवरेज है, तो आंसर कितना के बीच में आना चाहिए, अब 20 और 30 के ही बीच में आना चाहिए। तो L1 बराबर कितना है 20 और I बराबर है, I का मतलब क्या हो गया अंतर, तो देखिए 20 और 30 के बीच में कितना का अंतर है 10 का अंतर है, तो ये 10 हो जाएगा। F बराबर कितना सेलेक्ट किए हैं 27, 27 और M बराबर कितना आया है 50, देखिए M बराबर यहाँ पे है ना, M बराबर कितना है 50,
50 और CA बराबर कितना सॉलिड के 30 20 ये 10 रहेगा 27 और 50 में 30 को माइनस करेंगे तो 20 और इसको हम लोग ऐड कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 227 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, चलिए आप निकाल देते हैं, बताइए 27 से 200 में डिवाइड करेंगे तो 7.14 इतना आ जाएगा 20 और 7.40 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.40 ये हम लोग का मीडियन बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 27 इसी के बीच में है या नहीं है, 20 और 30 के बीच में है 27, इसका मतलब ये आंसर सही है और बाकी बुक में भी आंसर होगा ना। चलिए